दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपका बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गुल्ली जंगल के रास्ते से भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैर पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और मिस्टर मीट इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए गुल्ली के पास आता है और गुल्ली को घूरने लग जाता है। मिस्टर मीट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो मन ही मन खुश हो रहा है कि गुल्ली उसके पैरों तले पड़ा हुआ है। और इधर बुल्ली ये सब देख चुका होता है। ये सब देखकर बुल्ली तुरंत अपनी जीप को वहीं पर रोक देता है और गुल्ली को इस हालत में देखकर बुल्ली बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि मिस्टर मीट के पास हथियार है जिससे वो गुल्ली को तुरंत मार सकता है। लेकिन बुल्ली को जल्द ही कुछ करना होगा, वरना मिस्टर मीट गुल्ली को मार देगा। तभी मिस्टर मीट गुल्ली को मारने जा ही रहा होता है कि तभी ये देखकर अपने बुल्ली को आ गया गुस्सा, और फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। मिस्टर मीट को ढेर करने के बाद गुल्ली जीप से उतरता है और गुल्ली के पास जाने लगता है उसे देखने के लिए कि कहीं उसे कुछ ज़्यादा कुछ हो तो नहीं गया। बुल्ली गुल्ली के पास पहुंचते ही गुल्ली को देखने लग जाता है और गुल्ली की यह हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो गुल्ली को अब उठाए कैसे, क्योंकि गुल्ली को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है जिसकी वजह से वो बेहोश है। यही सोचते हुए बुल्ली गुल्ली की तरफ देखता है, लेकिन तभी गुल्ली को होश आने लगता है और फिर बुल्ली उसे सहारा देकर उठा देता है और खड़ा करते हुए बुल्ली गुल्ली से पूछता है, गुल्ली तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? और इसके बाद गुल्ली बोलता है, बुल्ली अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है, मिस्टर मीट किसी भी वक्त टूट सकता है और वो हमें कब का मार सकता है। और यह सुनकर बुल्ली गुल्ली को बोलता है कि नहीं गुल्ली, मिस्टर मीट अब जल्दी नहीं उठने वाला, क्योंकि मैंने उसे अपनी जीप से टक्कर मार दी है जिसकी वजह से वो कम से कम आधा घंटे के लिए तो बेहोश रहेगा ही, और तब तक हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। और शॉन और अंकल जॉन तो जा ही चुके होंगे वहाँ से, तो हमें उनकी टेंशन ही नहीं है। और इतना बोलकर बुल्ली और गुल्ली जीप में बैठते हैं और गुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल लेता है। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि उधर अंकल जॉन और शॉन अभी तक गए ही नहीं हैं। और इधर अंकल जॉन और शॉन को ये नहीं पता कि आखिर अंदर है कौन। तभी अंकल जॉन शॉन से बोले, शॉन मुझे लगता है कि अंदर मिस्टर मीट का कोई खूंखार जानवर है जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, तुम जाओ पिक को ट्रक में लोड करो, एक ही पिक तो बचा है। और ये सुनकर शॉन बोलता है कि ठीक है अंकल जॉन, मैं अभी ट्रक में लोड करता हूँ पिक्स को, लेकिन आप जाकर केबिन के दरवाजे को पकड़ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो दरवाजे को तोड़ने वाला है। और इतना बोलकर शॉन पिक की तरफ जाता है और अंकल जॉन दरवाजे की तरफ। शॉन पिक के पास जाकर पिक को घूरने लगता है और अपना काम नहीं करता है, पता नहीं क्या सोचने में लग जाता है शॉन। और इधर अंकल जॉन की हालत ख़राब हो चुकी है, अंदर जो कोई भी है वो दरवाजे को बहुत ही जोर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी अंकल जॉन शॉन से बोले कि शॉन जल्दी करो, घूर क्या रहे हो, मैं और देर नहीं संभाल सकता। और ये सुनकर शॉन बोला, ठीक है अंकल जॉन, मैं अभी ले जाता हूँ। और इसके बाद शॉन पिक्स को ले जाने लगता है। और इधर केबिन का दरवाज़ा तोड़ने की जो कोई भी कोशिश कर रहा है वो अब कोशिश करना बंद कर चुका है। लेकिन तभी तो दोस्तों, क्या होगा अब अंकल जॉन और शॉन का? क्या ये दोनों खूनी पिक से बच पाएंगे या फिर खूनी पिक इन दोनों को मार देगा? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।